हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये न्यू ईयर वाला ब्लॉग है 1 तारीख का, और उसके बाद से मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने लास्ट में बताया है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने साड़ी पहना है, ये साड़ी बहुत हल्की है इसीलिए मैंने पहन लिया। अगर भारी रहती तो मैं नहीं पहनती, क्योंकि भारी साड़ी ना पूरा दिन कैरी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। घर में अगर कुछ काम करना है, किचन में करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको मैंने पूरा धोया पोछा, कपड़े चेंज किए भगवान के, और सब बर्तन घसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि पूजा तो हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन बर्तन धोए नहीं थे, तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धोए और सब पूजा वूजा करके हो गया। अभी तो मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ घूमने, क्योंकि मैंने ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने न्यू ईयर के दिन उठाया था मोबाइल ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं घूघनी बना रही हूँ चाय के साथ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने तेल लिया है और मैंने हरी मिर्ची डाली है। बहुत लोग लहसुन डालते हैं, बट मुझे ना घूघनी में लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने बटाटे भी डाल दिए, और जो मेरी मम्मी बनाती है ना, उसमें बटाटा नहीं डालती थी, सिर्फ मटर के बनाती थी, जो हरे मटर है ना उसके बनाती थी, वो हरा लहसुन डाल के, तो वो भी टेस्ट में अच्छा लगता था। बट मैं बटाटा डाल रही हूँ क्योंकि मटर थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे पाव भाजी भी बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा ही मटर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर भी डाल दिया, और एकदम फुल फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि मुझे क्रिस्पी एंड क्रंची चाहिए। गले के वजह से मेरे सब शब्द इधर उधर हो रहे हैं। और इसमें नमक हल्दी डाल दिया, और नमक हल्दी ना बहुत हिसाब से डालें, नहीं तो कभी कभी क्या होता है नमक बहुत ज़्यादा लगता है कोई भी चीज़ थोड़ी सी बनाएंगे तो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो फिर मैं जब ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ तो फिर आपको मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। गाइस गुड मॉर्निंग, और मेरा हालत देख सकते हो, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ब्लॉगिंग ये फर्स्ट ब्लॉग होगा, जो जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग शूट किया है। तो आपने देखा मैंने क्या बनाया है, मटर आलू का घुघनी बनाई है। तो मैं दिखाती हूँ, अभी मैं लेके बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और कल जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना पूजा का, न्यू ईयर के दिन मैंने पूजा वगैरह किया, साड़ी पहना था, तो उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मैं शूट नहीं कर पाई। तो डायरेक्ट मैंने आज ही फ़ोन उठाया, मैं बोला चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू मटर बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, और यहाँ पर मेरी चाय, और यहाँ पर हमारी मैडम से मिलो, यहाँ पर चाय और टोस्ट खा रही है, और घर का काम हो चुका है सब। तो अरे पूरा लिप्स से देखो ना, यहाँ पे वो बुखार आता है ना, तो वैसा आ गया है। तो अब ये सब ठीक होगा तभी कोई मेकअप का ब्लॉग जाएगा या कोई वीडियो जाएगी। तो चलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और मेरा लाइव ऑप्शन चालू हो गया है, तो शायद से ये सब ठीक हो जाएगा, तो मैं 4-5 दिन के बाद लाइव आऊँगी और फिर लाइव बात करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते बाद में। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैंने शावर ले लिया, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े जो धुल दिए थे मैंने, और आने के बाद से मैंने सुखा दिए थे, तो वो कपड़े अभी इस्त्री के लिए बांधूंगी। और जो बेड पे चद्दर वगैरह थे, बच्चे सोए थे, तो वो सब चीज़ें ना मैं ये करूँ, क्योंकि जब मैंने शॉप खाली किया था ना वहाँ का, जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन मुझे शॉप खाली करना था, अपना पार्लर खाली करके जाना था। तो कुछ सामान मैं घर पर भी लेके आ गई, आप देख सकते हो, जो मेरी ज्वेलरी के बॉक्स है, पार्लर का जो मशीन है वो सब, जो आइनिंग वाला सब मशीन में, क्योंकि मुझे कुछ लेके भी जाना है, लेके गई थी वहाँ पे बहन को तैयार करने के लिए। और जो बैग आप देख रहे हो पूरा मेकअप से भरा हुआ है वहाँ पे, जो टेबल पे रखा है। और यहाँ पे सूटकेस में ना कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए थे, ड्राई क्लीन वाले कपड़े मैंने इसी में रहने दिए थे, तो अभी ड्राई क्लीन वाला कपड़ा मैं निकाल के ना ये सूटकेस में पलंग के अंदर रख दूँगी। और ऐसे ही सूटकेस बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा ये सूटकेस, ऐसे कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा सूटकेस है। मेरी चूड़ियाँ वगैरह जो मैं लेके गई थी ना, वो मैं अभी सब जगह पर रख दूँगी, और जो ड्राई क्लीन का कपड़ा है वो सब मैं करके पूरा रूम क्लीन करके फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आई हूँ और एकदम से काम हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी ड्रेसेस पहने थे ना, तो वहाँ पे मैंने धुले नहीं थे, क्योंकि वहाँ के पानी में यहाँ के पानी में ना एकदम मट्टी जैसा ही लग रहा था। कपड़े कितने भी नॉर्मल जो कपड़े थे ना, मैंने एक भी कपड़ा रखा नहीं, जितना ले के गई थी टोटली कपड़े मैंने धो दिए थे। और ये मेरा ट्राईपॉड भी देखो टूट गया इधर,
नया ट्राईपॉड मेरा टूट गया, तो अभी इसको देखते लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं मेरे ट्राईपॉड के साथ ही क्या होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये सब पहने हुए हैं, कुछ नहीं पहने हुए हैं कपड़े, गारमेंट्स वगैरह भी है सब। तो अभी जो लॉन्ड्री के हैं वो मैं दे दूँगी। ये जो साड़ी थी मैंने मटकुड़वा में पहनी थी, जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये सब ब्लाउज़ वगैरह सब, मतलब मैंने ना और कपड़े निकाले थे, इतने ही कपड़े डाल के मैं नहीं लेके आई थी, पूरा फुल था ये सूटकेस। एक्चुअली मैंने जो ऊपर के रेगुलर वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे, खाली ड्राई क्लीन वाले कपड़े इसके अंदर रखे थे। और मुझे पैकिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं जेम थे मैं ना डाल के रख देती हूँ। मुझे पैकिंग कैसी होती है, जैसे वो पाउच वगैरह आते हैं ना तो उसमें साड़ी डाल दो, ब्लाउज डाल दो, पेटीकोट डाल दो, वैसा। लेकिन अगर ऐसा कुछ मुझे पैकिंग करना रहेगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं कैसे भी डाल के फिर ऐसे ही मैं लेके जाती हूँ, फिर वहीं पर एडजस्ट करती हूँ, जैसा पहनना रहेगा वैसा पहनती हूँ। तो यहाँ पर टोटली मैं खाली कर दूँगी। यहाँ पर देखिए कपड़े निकल चुके हैं, और ये कोट मैं लेके गई थी तो बेटे ने पहना नहीं, उसने शेरवानी पहना था। आप लोगों ने तो देखा ही वो ब्लॉग शादी वाला, उसने क्या पहना था। तो यहाँ पे जो इसके मतलब ऊपर फ्लिप में जो था ना, मैंने माइक रखा था और हेडफोन रखा था, पाउचेस रखे थे, डॉक्यूमेंट्स रखा था, क्योंकि ट्रेन में आने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए था, आधार कार्ड वगैरह, तो वो सब मैंने इसमें रख दिया था आने के बाद, क्योंकि मैं अपने हैंडबैग में कैरी की थी। तो ये हो गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और फरसान आए हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बहुत छोटा ब्लॉग है। गाइस गुड इवनिंग, और मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं आपकी ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है, तो मैं बता दूँ मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब सर्दी की वजह से ना ये पूरा गला और कान, कान से ना हल्के हल्के कम सुनाई दे रहे, क्योंकि सर्दी के वजह से ना ये पूरे जाम हो चुके हैं, और क्लाइमेट ठंडा गर्म हो रहा है, इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो मैंने गिव अवे विनर थे जो 10, वो मैंने पार्सल डिस्पैच हो चुके हैं, आजकल मैं मिल भी जाएगा उनको। और मुझे बहुत मैसेज कर करके पूछ रहे कि पार्सल कब मिलेगा, तो मैंने उनका जो ट्रांसफ़र आईडी है वो मैंने दे चुकी हूँ, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कब तक पहुँचेगा। तो और जो बाकी के 20 हैं, 20 के लिए मैं अनाउंसमेंट करूँगी जो वीडियो मैंने ली, क्योंकि 20 जन, क्योंकि पहले भी बहुत लोगों को नहीं मिला था, जो मेरे बहुत पुराने पुराने सब्सक्राइबर थे उनको नहीं मिला था, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ रहा है, पूरा कमेंट पढ़ना पड़ रहा है, फिर मुझे नाम निकालना पड़ रहा है। हो सकता है एक दो दिन में मैं अनाउंसमेंट करूँ, और लाइव ऑप्शन चालू हो चुका है, मैंने पहले भी बताया, तो लाइव आऊँगी और बताऊँगी। और तबीयत की वजह से मैं ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रही हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉग जाएगा जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तब से, जिसमें मैंने न्यू ईयर का दिया 1 जनवरी का, हाँ 1 जनवरी का शूट किया था, और 2 जनवरी, और ये 2 जनवरी का ही मैं शूट कर रही हूँ। बट वीडियो में काफ़ी आपको लेट मिल सकता है, हो सकता है अगर मैंने पोस्ट कर दिया टाइम पे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर लेट मिलेगा। तो ऐसे ही बैठी हूँ, शाम के टाइम दाल हो गई है, राइस रखा है, और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। बहुत सब लोग बोल रहे दीदी आपकी ब्लॉग नहीं आ रही है, ब्लॉग नहीं आ रही है, तो यही कारण एक्चुअली, तबीयत ठीक रहता है ना तो मन भी लगता है। कैसे हो गया, वहाँ का एकदम जो था टेम्परेचर वो कुछ ज़्यादा ही था, मतलब ठंडी में था, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए और आने के बाद से ना मैंने डायरेक्ट क्या किया, गर्म पानी से नहीं नहा के मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, और जैसे ही मैंने ठंडे पानी से नहाया ना तो मुझे पूरा बुखार हो गया, और पूरा मतलब कोल्ड हो गया, और ये सब मेडिसिन ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रही हूँ, लेकिन तो भी पूरा सब बहुत ज़्यादा ये सब पेन हो रहा है, और ये सब पूरा ईयर वगैरह सब पेन हो रहा है। मैंने क्ले ईटिंग की वीडियो इसलिए अपलोड की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उस पर, और बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था आप लेके नहीं गए थे, तो मैंने पहले ही बोला था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि मैं यहाँ पर कोई वीडियो शूट करूँगी या कुछ भी, क्योंकि ब्लॉगिंग ही मेरी बहुत कम आ रही थी नेट इशू के वजह से, और वहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। आपको मैंने होम टूर भी दिखाया था कि क्या सेटअप नहीं था, क्योंकि लोग रहते हैं ना तो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप देख सकते थे सारे रूम खाली है, किसी रूम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रूम में ही वो बेड वगैरह था और बाकी सब रूम खाली थे। जब लोग रहते तो सामान रखने में भी अच्छा लगता है। तो यही था, और मैंने आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, मंदिर में पूजा करी, साड़ी पहना है मैंने नए साल में, और अनपैकिंग किया है वो दिखाया मैंने, आलू मटर का घुघनी बताया, उसको चाय के साथ खाते बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है वो, बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैंने शाम हो गई है तो दाल राइस लगाई हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, छोटी है कि बड़ी है पता नहीं आप लोग को, कैसे आप लोग बोलते दीदी 20 मिनट की वीडियो तो अपलोड किया करो, 20 मिनट की तो किया करो, तो कोशिश करूँगी अभी कि मैं 20 मिनट की करूँगी। और अभी कैसे है कि
जब तक ये मैं ठीक नहीं होती हूँ तब तक मेरी वीडियो अगर नहीं आई तो आप लोग समझ सकते हो, और मैं मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो भी आप लोग समझ जाइए कि मैं ज़्यादातर मैं अपने मोबाइल को ना फ्लाइट मोड पे रख के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि स्विच ऑफ करके सो जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी मोबाइल बिल्कुल नहीं उठा रही हूँ और मन भी नहीं लग रहा है तबीयत की वजह से, यही कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं है। बच्चे भी मेरे पूछ रहे हैं मम्मी आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, आपको सब पूछ रहे हैं कि मम्मी का ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्या बात है मम्मी ठीक है? तो मैं ठीक, मतलब वही तबीयत मैंने आपको बताया ना उसकी वजह से ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई रेसिपी भी मैं नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे अभी कॉल आ रहा है किसका, यहाँ पे कॉल आया, ये जो टैब लेके गए थे इसमें आ रहा है, मेरे बेटे की फ्रेंड का है वो कॉल कर रहा है। तो मोबाइल वो लोग आज घर पे ही भूल के गए, बेटी यहाँ पे रख के गई है, वो वहाँ पे रख के गए हैं, एक फ़ोन लेके गया है। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और रीज़न यही है, और लाइव मैं देखती हूँ एक दो दिन में ये चैनल पे या तो वो चैनल पे मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो मैं लाइव का ऑप्शन मेरा जो था वो मैंने एक यूट्यूबर से सॉल्व कर लिया है, इंस्टा पे थे वो, तो इंस्टा से ही मैंने उनको ऑप्शन पूछ लिया कि मेरा मोबाइल का ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उसमें मेरा एक्चुअली एक जो मोड था वो ऑफ था, इसके लिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो वो मैडम ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने अपने लाइव ऑप्शन को मैंने क्लियर किया मोबाइल से आने के लिए, तो वो अभी सब क्लियर हो चुका है, दोनों ही चैनल का क्लियर हो चुका है। बट मेरे को अभी एक टेंशन है कि मेरा वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक, मुझे सबसे बड़ा टेंशन है। मेरे पास पीसी भी नहीं है कि मैं उसमें चेक करूँ कि क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि चैनल मेरा भाई हैंडल करता है, मेरा जो भी प्रॉब्लम रहता है सब वही हैंडल करता है, मैं कुछ भी नहीं करती इसके अंदर। तो अभी वो भी बिजी था, और बड़ी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो पापा को वापस जाना पड़ा गाँव, तो आज पहुँचे होंगे वो गाँव, और भाई तो इधर ही है, उनका काम संभाल रहा है पापा का, तो इसके लिए। तो चलिए ये छोटी सी ब्लॉग कैसा, छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये बोल भी नहीं सकती मैं, इतना ज़्यादा ये सब पेन हो रहा, आप देख सकते हो स्वेलिंग आई हुई है मुझे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।